गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 31 अक्टूबर संडे, बज रहे सुबह के 7 और आज मैं जा रहा हूँ देवकुंड वाटरफॉल। बस आज मेरे पास गोप्रो अवेलेबल नहीं है, लेकिन नो वरीज, बहुत सारे व्लॉग्स मैंने सिर्फ 1+7 से शूट किए, इसमें भी आपको बहुत सारे सिनेमेटिक शॉट्स देखने मिलेंगे। चलो फटाफट से देवकुंड वाटरफॉल का ट्रैक स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देवकुंड का रास्ता शुरू होता है। गाइज जैसे ही ट्रैक स्टार्ट करोगे, यहाँ पर पीछे आपको टाटा पावर का पूरा कंपनी का एरिया मिलेगा और यहाँ पर आपको देवकुंड का टिक मार्क किया हुआ वे मिल जाएगा। देवकुंड वाटरफॉल के लिए आपको ज्यादा ट्रैकअप नहीं करना पड़ेगा। 8 किलोमीटर्स का वॉक है, जो कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही वॉक है। बीच बीच में हल्का कोई एक दो पैचेज है 5-6 या 10 मिनट का, जिसके लिए ऊपर चढ़ना पड़ेगा, बाकी तो एकदम स्ट्रेट ही है। तो आप आराम से देवकुंड वाटरफॉल पहुंच सकते हो। पर आपको ट्रैक डाउन करना है और यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होता है। 2 आवर्स का ट्रैक है, यहाँ से आपके पेस के ऊपर है, आप 1.5 घंटे में भी खत्म कर सकते हो। एंड गाइज वन मोर थिंग, वहाँ पर जब स्टार्टिंग पॉइंट पे आप आओगे तो आपको देवकुंड के लिए एंट्री लेने के लिए आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन आपको पे करना पड़ेगा, बिकॉज गाइड लेना कंपलसरी है। और अगर आप गाँव में खाना लेते हो वगैरह ग्रुप के साथ आते हो तो वो 50 रुपीज़ है, बट आप एक बार कन्फर्म कर लेना। इस 10 या 15 मिनट्स का ट्रैक करने के बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू मिलेगा, वो पूरा अंदरबन का रेंज है एंड दिस इज द कुंडली का रिवर का बैक वाटर्स। गाइस पूरा रूट वेल मार्क्ड है और पूरे रूट में आपको ऐसे शॉप्स मिलेंगे जिसमें आप खाने का ले सकते हो। और प्लीज़ अगर आप ला रहे हो साथ में कुछ या यहाँ से ले रहे हो तो कचरा यहाँ वहाँ ना फेंको, अपना कचरा अपने साथ वापस लेके जाओ, बी रिस्पॉन्सिबल। अब यहाँ पर एक छोटा सा रिवर का पार्ट आया है जो कि अभी पानी नहीं है, क्योंकि ये अभी एकदम अक्टूबर का एंड आ चुका है। मानसून में तो देवकुंड बंद रहता है क्योंकि बहुत रिस्की रहता है, बट मानसून के जस्ट बाद आप आओगे तो आपको इसमें पानी मिलेगा। डेढ़ घंटे के ट्रैक करने के बाद या यूँ कहूँ कि चलने के बाद ये ब्रिज आता है और इसके नीचे जो एक वाटर का स्ट्रीम आता है, स्मॉल सा वाटरफॉल आता है, बट वो अभी स्मॉल है क्योंकि पानी एकदम कम है। बट मानसून के टाइम या मानसून के जस्ट बाद आओगे तो उसमें पानी कभी भी अचानक फ्लो हो सकता है बहुत ज़्यादा। इसके लिए ये ब्रिज बनाया है गाँव वालों ने, जिसके ऊपर से जाने के लिए 10 रुपीज़ चार्ज आपको देना पड़ता है। अभी तो यहाँ पर कोई चार्ज लेने के लिए है नहीं, अभी यहाँ पर से हम लोग डायरेक्टली जा रहे हैं। एंड यहाँ पर जो नीचे वाटरफॉल है वहाँ पर एक बार 45 लोग फंस चुके थे और पुलिस वालों को आना पड़ा था उनकी रेस्क्यू के लिए, बिकॉज अचानक से फ्लो बहुत बढ़ गया था। इस पूरे ट्रैक में जो 10 या 15 मिनट का एक स्टीप पैच है वो यही वाला पैच है। इजी है, इतना कुछ नहीं है, सिर्फ 10-15 मिनट्स का, एंड उसके बाद थोड़ा सा वॉक है एंड देन वी विल रीच द वाटरफॉल। सिर्फ यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे देवकुंड वाटरफॉल है और यहाँ पर पीछे दोनों बहुत बड़े बड़े से माउंटेन्स दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो वाटरफॉल है इन दोनों माउंटेन्स के बीच की जो प्लस वैली है वहाँ से गिरता है। देखोगे ना एकदम मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मैंने भी फोटोज़ देखे, वीडियोज़ देखे बहुत सारे, लेकिन सामने से देखने का जो मज़ा है वो इज़ नेक्स्ट लेवल। एंड गाइस फाइनली द देवकुंड वाटरफॉल इज़ ऑन माई बैक साइड, दिस इज़ द देवकुंड वाटरफॉल। एक्सपेक्टेड रहता आज उतना गर्दी नहीं है, बट अभी थोड़ा क्राउड आ रहा है, करीबन 400-500 लोगों का क्राउड अभी है करेंटली, और
और जितना आप लेट आओगे उससे ज़्यादा क्राउड बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको इन्जॉय करना है, ट्रूली इन्जॉय करना है, एज सून एज पॉसिबल आने की कोशिश करो। 7 बजे ट्रैक शुरू करो जैसे हम लोगों ने किया, 9 बजे तक आप पहुँच जाओगे आराम से, एंड देन इन्जॉय। आधा एक घंटा मस्त पानी में इंजॉय करने के बाद कुछ अच्छे शॉट्स लेने की कोशिश करते हुए कि गोप्रो की कमी तो बहुत खल रही है, लेकिन इस 50 रुपये पानी के कवर ने कुछ तो जुगाड़ में मदद कर दिया। अंडर वाटर इतना अच्छा नहीं आ पा रहा है क्योंकि बहुत डार्क आ रहा है, बट कुछ शॉट्स या कुछ फोटोज़ लेने में इसने बहुत ज़्यादा मदद की है। तो अगर आपके पास गोप्रो नहीं तो नॉट टू वरी, आप ये 50 रुपये कवर ले लो, इंडियन जुगाड़ है, काम चल जाएगा। गाइस बज रहे अभी 3:30, अभी हल्की हल्की सी यहाँ पर धूप आने लगी है, बट वहाँ का जो देवकुंड का पानी है बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, आइसी वाटर बोल सकते हैं उसको, इतना ठंडा है क्योंकि वो जो कुंड है वहाँ पर मोस्टली कभी भी सनरेज नहीं पहुँच पाती है। गाइस यहाँ पर हो रही है वाटरफॉल रैपलिंग जो वहाँ से शुरू होती है, एंड दिस इज द वाटरफॉल रैपलिंग। ये करना है यार, एक बार तो बनता है। ग्यारह बज रहे हैं, अभी हम लोग ने रिटर्न बेस पे जाना शुरू कर दिया है, वहाँ जाके चेंज करेंगे, लंच करेंगे एंड देन निकलेंगे। बट अब तक का मेरा ये सबसे इजी ट्रैक, ओवरऑल दिस ट्रैक इज़ वेल गुड, आप आराम से कर सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो भी आप रेस्ट ले लेके बीच में से आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसा स्पिरिट लेके आना कि कंप्लीट करना है। वन स्पेशल नोट, देवकुंड का जो वाटरफॉल जहाँ पर गिरता है वहाँ पर आप नहीं जाओ, वैसे तो जाने नहीं देते, जो रस्सी लगा है उसके आगे आपको जाने नहीं मिलता है, वहीं तक का अलाउंस है, यहाँ के जो लोकल्स हैं वो खड़े रहते तो आपको जाने नहीं देते, लेकिन प्लीज़ जाने की कोशिश भी मत करो। और मानसून के टाइम तो बंद ही रहता है, फिर भी इलीगल तरीके से आने की कोशिश मत करो, आपकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देवकुंड में 14-15 ऐसी कैजुअलिटी के केसेस हो चुके हैं। ट्रैकिंग करो, इन्जॉय करो, नेचर को रिस्पेक्ट करो। अब मैं सीधा नीचे जाके आपसे मिलता हूँ और ट्रैक वहीं एंड करता हूँ। अभी बज रहे 5:30 और अभी हम लोग यहाँ पर होटल में रुके हैं बीच में कुछ नाश्ता करने के लिए। देवकुंड का ट्रैक ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, तो इजीली आप लोग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आज का ये शॉर्ट एंड स्वीट व्लॉग यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करो, पुराने हो लाइक और शेयर किया मत जाना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे फिट स्टे सेफ। दूर उन पहाड़ियों में कुछ तो बसता है, वही मेरे सुकून का रास्ता।